हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। सुबह का नाश्ता हो या जब भी आपको कोई छोटी मोटी भूख हो, आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो इस कच्चे आलू के टेस्टी नाश्ते को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत पसंद आएगा और बार बार आप इसी को बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाने में कोई भी झंझट नहीं है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो आलू को छील के धो के ले लिया है और उसको कद्दूकस कर लिया है। तो ये देखिए, कद्दूकस करने से ना आलू के बहुत ही अच्छे लच्छे निकल आते हैं। अब हम इसको दो तीन बार साफ पानी से धो लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पानी से धो लिया है इसको अच्छे से। तो जब दो तीन बार इसको धोएंगे ना, तो इस तरीके से साफ पानी में निकल आएंगे। तो इसमें एकदम साफ पानी दिख रहा है। तो अब हम आलू को छान के इसमें से निकाल लेंगे और दोनों हाथों के बीच ऐसे रखते हुए ना आलू के सारे पानी निचोड़ के निकाल देंगे, जिससे आलू के पानी निकल जाएंगे तो नाश्ता जो है बहुत ही अच्छा एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए, सारा हमने पानी निकाल दिया इस तरीके से। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और उसमें इन सारे आलूओं को डाल देंगे, जिसमें हम सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर सकें। तो यहाँ पे हमें डालना है एक बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज और 4 से 5 फ्रेंच बीन को लेके मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, उसको भी डाल देंगे। और 2-3 हरी मिर्च बारीक काट के डालेंगे और धनिया तो डालेंगे ही ढेर सारी, क्योंकि इससे फ्लेवर बढ़िया आता है और नाश्ता देखने में भी अच्छा दिखता है। और अब हम लेंगे इसमें गेहूँ का आटा। तो 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे गेहूँ का आटा डाल रही हूँ और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन को भी हमें डालना है 2 बड़े चम्मच भर के। और इसके साथ हम डालेंगे चावल का आटा। तो ये देखिए, चावल का आटा हमें 1 चम्मच बड़े चम्मच से लेना है। इससे नाश्ता जो है बहुत ही कुरकुरा क्रिस्पी बनेगा। अब हम लेंगे 1/2 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मिक्स कर देंगे। उसके बाद से ना हम हाथ से इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आलू के जो लच्छे हैं ना, उसको दबाते हुए मिक्स करेंगे, जिसमें हमने आटा और बेसन जो भी डाला है वो सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो अगर थोड़ा सा सूखा रह जाए तो ज़रा सा पानी डालेंगे हम इसमें। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके 1-2 चम्मच पानी डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा तो नाश्ता बनाने में परेशानी होगी, अच्छा क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पानी डाला है टोटल और इसको अच्छे से हाथों से दबाते हुए मिक्स कर लेंगे, ताकि आलू का जो मॉइस्चर है ना, उसी के वजह से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमें इस तरीके का आलू का मिक्सर बना के रेडी करना है, कि सारी चीज़ें इस तरीके से इसमें चिपक रही हैं। तो चलिए, अब चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ हम एक फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल डाल के गरम करेंगे। इस नाश्ते को हम बहुत ही कम तेल में बनाएंगे। और अब जो हमने आलू का मिक्सर बनाया था, उसको 2-2 बड़े चम्मच इसमें डाल के और अच्छे से फैलाते हुए इस तरीके से राउंड शेप देंगे। तो थोड़ा सा चपटा करते हुए अच्छे से फैला देंगे। तो ये देखिए, अभी फ्राई पैन में जगह है, तो मैं एक बार में 2 बनाऊंगी, तो 2-2 अच्छे से बन जाएंगे एक साथ में। अब इसको अच्छे से राउंड शेप दे देंगे और ऊपर से भी 1 चम्मच तेल डाल देंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, जिससे कि अच्छे से पक भी जाए और अच्छे से सिक भी जाए। तो ये देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं सिकने के लिए, 2 मिनट के लिए। अब यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं इसे सिकते हुए, तो ऊपर से भी दिख रहा है कि ये सिक गया है। तो अब हम इसको पलट लेते हैं और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना, बहुत ही अच्छे से सिक गया है। तो अब हम छोड़ देते हैं इसको, दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर के लिए सिक जाएगा। तो अब हम इसको फिर से पलट लेते हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी ये बहुत ही अच्छे से सिक गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसको उल्टा पलटी करते हुए एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी सा सेक लेंगे। अब ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक गया है, आप देख सकते हैं, ये देखने में ही कितना यम्मी टेस्टी दिख रहा है। तो अब हम इसको गैस से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, दोनों चीले को इस तरीके से निकाल लेंगे। आप इसे आलू का चीला भी बोल सकते हैं और बाकी के सारे भी इसी तरीके से सेक लेंगे। और ये देखिए, कितना यम्मी टेस्टी नाश्ता बन के रेडी है। सिर्फ हमने 2 कच्चे आलू से झटपट से बना लिया इसे घर पर। तो आप भी इस तरीके से इस नाश्ते को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत 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 ज़्यादा यम्मी टेस्टी बन के तैयार होता है ये नाश्ता। फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए।